ये तीर मचलते नहीं घायल के लिए, पैर थिरकते नहीं पायल के लिए। जब से बसे हैं श्याम इन आँखों में, कोई तमन्ना बाकी नहीं काजल के लिए, कोई तमन्ना बाकी नहीं काजल के लिए। या अनुरागी चित की गति जाने न कोई, जो जो बूझे श्याम रंग क्यों तो उज्जवल हुई, क्यों क्यों उज्जवल हुई। कि जब मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाई, जा मैं दो न समाई। कि रास रासेश्वर पूर्ण पुरुष योगी राज योगेश्वर लीलाधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र अनुपम अलौकिक एवं अद्भुत है। श्री कृष्ण का अर्थ ही होता है जो कि हमें आकर्षित करता हो, जिसके अंदर कर्षण होता है और जिसका सामिप्य और सानिध्य हमें परम शांति और आनंद की ओर ले जाता हो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहलाया, वो लोक नायक थे। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में अगर सबसे ज्यादा किसी पर लिखा गया है तो वो है श्री कृष्ण। और हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोगों ने उन पर लिखा, और गीता का अनुवाद तो हम सब जानते हैं कि हर भाषा में विदेशों में भी हुआ है। तो मैं आपको कृष्ण के जीवन की तरफ ले जाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मन से सुनना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। कि एक अनुपम सौंदर्य पुंज है श्री कृष्ण, एक अतृप्त प्यास है श्री कृष्ण। जब भी बांसुरी बजती है श्री कृष्ण स्मृतियों में रमण करने लगते हैं, और लगता है कि एकदम से पास में आकर बैठ गए हैं और कानों में धीरे से कह रहे हैं कि मैं देवकी और वासुदेव का लाडला ही नहीं, मैं यशोदा और नंद का दुलारा ही नहीं, मैं हलधारी बलराम सुभद्रा और गज सुकुमार का सहोदर ही नहीं, मैं ब्रज बालाओं का चित चोर ही नहीं, मैं ब्रजवासियों का रास रचैया धनु चवैया ही नहीं, मैं गायों को चलाने वाला गोपाल ही नहीं, मैं गोपियों की मटकी फोड़ने वाला नटखट काना ही नहीं, मैं कालिया मर्दन और पूतना वध करने वाला बाल सूरवीर ही नहीं, मैं गोवर्धनधारी ही नहीं, मैं गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाला आज्ञाकारी शिष्य ही नहीं, मैं सुदामा का बाल सखा ही नहीं, मैं राधा का सांवरा ही नहीं, मैं ब्रज छोड़कर मथुरा की तरफ जाने वाला सत्य की राह का राही ही नहीं, मैं मामा कंस जयदत्त शिशुपाल आदि को दंडित करने वाला मुख्य न्याय